हेलो दोस्तों, दिल की गहराई से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, क्योंकि अगर कोई वीडियो छूट जाता है तो प्रॉब्लम आपका ही देखने को मिलेगा। तो मैं तो आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, बिल्कुल फ्री है और ये मुझे लगता है कि 4-5 महीने तक फ्री ही रहेगा। तो आज मैं आपको एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जानकारी देने जा रहा हूँ, जो आज के डेट में 5% गिरा हुआ है। देख लो, एग्जैक्ट 5% ये स्टॉक गिरा हुआ है। देख लीजिए, एग्जैक्ट 5% ये स्टॉक गिरा हुआ है और पिछले 5 दिनों में 8% ये स्टॉक गिरा हुआ है, मतलब गिरता ही जा रहा है। और इस कंपनी का नाम अगर आप देखोगे तो बाकी पता नहीं, मैंने तो आपको कई बार बता रखा, हो सकता है कि आपको याद ना हो। कंपनी का नाम है अफोर्डेबल रोबोटिक ऑटोमेशन लिमिटेड। कंपनी का नाम है अफोर्डेबल रोबोटिक ऑटोमेशन लिमिटेड, जो 493 रुपीज़ में मिला और ये कंपनी आपको गिरता हुआ ही नज़र आ रहा है। लेकिन फ्यूचर में ये कंपनी आपको बहुत तगड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है, बहुत का मतलब बहुत बड़ा रिटर्न निकाल के दे सकता है। फ्यूचर मतलब काइंड ऑफ फ्यूचर मल्टीपल, अगर आप समझ लो, इस तरीके का रिटर्न निकाल के दे सकता है। और मैंने आप लोगों को पहले बता भी रखा है कि ये कंपनी किस किस चीज़ के लिए कंपनी काम करती है। ये कंपनी टेक्नोलॉजी में डील करती है, टेक्नोलॉजी में डील करती है, किसी भी चीज़ को कुछ इनोवेटिव तरीके से बनाती है। और ऊपर से ये जैसे वेयर हाउस वगैरह आप देखते हो ना, तो बड़े बड़े गोडाउन वगैरह होते हैं, उनके अंदर जो है ये ऑटोमेटिक मशीन वगैरह लाते हैं, जो ऑटोमेटिक आपका सामान रख देगा, वापस ला देगा और सारा काम कर देगा। और ये जो है पार्किंग के लिए काम कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास पार्किंग सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई आजकल के डेट में अगर आप अर्बन एरिया में जाते हो, बेंगलोर में जाते हो, तो 1 घंटा अगर किसी कहीं पे अगर अपना ना 2 व्हीलर पार्क करते हो तो भाई आपको 20 रुपीज़ लग जाएगा। सोच लो कि अगर आप केवल एक दिन अपना 2 व्हीलर केवल पार्क करते हो तो आपको 500 रुपये देना पड़ जाएगा। और भाई 24 घंटे अगर आपने पार्क कर दिया और वो भी 4 व्हीलर, तो समझो कि आपको 1000 रुपये का नोट चिपका देंगे। आप लोग बनेंगे, इतना होता है? कहाँ रहते हो भाई, कहाँ खाते हो, कहाँ जीते हो? इंडिया में रहते हो ना, कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हो, कहीं और रहते हो? इंडिया में रहते हो और नहीं पता है तो फिर अजीब है। जब पता ही नहीं तो फिर हम क्या बोल सकते हैं आपको, समझ रही है ना? ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा बहुत ज़्यादा चार्जिंग लेते हैं भाई लोग केवल पार्क करने के लिए, और ये लोग बहुत ज़्यादा मोटा पैसा भी कमाते हैं ऐसा। और ये लोग ना एक अलग ही टाइप का जो है पार्किंग मॉडल जो है डिज़ाइन करते हैं, जहाँ पर कम से कम लैंड में ये लोग मैक्सिमम कार को पार्क कर सके। ये लोग एक बड़े से बिल्डिंग ही बना देते हैं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं जहाँ पर केवल कार ही पार्क होगा। चाइना में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर वर्ल्ड क्लास, मतलब वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पार्किंग अगर आप देखोगे ना, तो चाइना में है भाई। वो लोग अपने जगह को जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इस चीज़ में पैसा बहुत है। ऑटो सेक्टर में अगर आप देखोगे तो कार खरीदना चाहते हैं लेकिन कार बनाने वाली मशीनों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि बनाते यही लोग हैं भाई ऐसा। ये ऑटोमेटिक मशीन होता है जहाँ पर ह्यूमन कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती, इंसानों की जरूरत नहीं पड़ती, सारा ऑलरेडी प्रोग्राम होता है और ये सारी चीज़ें खुद ही कर देंगे आपके लिए ऐसा। और जो वेयर हाउस वगैरह अगर देखो, बड़े बड़े गोडाउन में जो बड़ी बड़ी कंपनी है, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे क्या होता है कि बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बहुत मतलब ह्यूज अमाउंट में ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। रखने के लिए जगह है कि नहीं, उतना ह्यूमन कैपिटल तो ये लोग और कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो लोग मशीन वगैरह रखते हैं, ये सारा काम यही लोग खुद ही कर देते हैं ऐसा होता। और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं, और ज़्यादातर ये अपना जो बिज़नेस है ये अमेरिका में करते हैं, ज़्यादातर ये अपना बिज़नेस अमेरिका में करते हैं। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा, ये आने वाले 5 या 10 सालों के लिए, 5 सालों के लिए नहीं, 5 से ऊपर मतलब 10 सालों के लिए, आने वाले 10 सालों में कुछ बड़ा करके दिखा सकता है। एक यूनिक टाइप की कंपनी आपको देखने को मिल रही है आने वाले 10 सालों के लिए। तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए गलती से भी खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये कोई रिकमेंडेशन या एडवाइस तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब सपने में भी मत सोचिएगा, ऐसा नहीं है। 6-6 महीने में ये कंपनी जो है अपना रिजल्ट पेश करती है, 6-6 महीने में, इसलिए बोल रहा हूँ 6 मंथ में एक बार ये अपना जो है रिजल्ट पेश करती है। और इस बार कंपनी ने अपना मार्जिन बढ़ाया था और 14% तक का इन्होंने अपना जो है मार्जिन कर लिया था। पहले ये कंपनी लॉस में ही चलती थी, यहाँ पर देख सकते हो, पार्किंग से, ऑटोमेशन से और भी जो चीज़ें अदर हैं उससे कितना कंपनी पैसा कमा लेती है ऐसा। डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन इसको जो है नई नई टाइप की कंपनी इस्टाब्लिश हो रही है तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा ऐसा है। रेवेन्यू वगैरह जो है धीरे धीरे इंक्रीज़ होता हुआ नजर आएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन फिर भी एक तरीके से जिस तरीके से ये कंपनी एक अलग फील्ड में काम करने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि हमें टाइम देना चाहिए 10 सालों का टाइम देना चाहिए। बहुत छोटी कंपनी है, केवल 500 करोड़ की कंपनी है और मतलब जिस आपको डिविडेंड वगैरह नहीं मिलता। और यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी काफ़ी अच्छा है, अराउंड 60%, और एक भी शेयर प्लेज वगैरह नहीं है ऐसा। कोई बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं कि कंपनी के ऊपर ये डेट वाली बात भी नहीं है कि ऐसा कंपनी कर्ज में डूब गई, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। आप कंपनी केवल जो है प्रॉफिट मार्जिन के लिए काम कर रही है, बाकी आपकी मर्जी है, ध्यान दीजिए। या कोई और भी अच्छा लगा तो वहाँ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल में या एलिस ब्लू में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है।